गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यूक्लियस ऑफ नॉलेज बाय समृत सर। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने काउंटिंग फिगर्स पढ़ा था टाइप थर्ड तक, और आज हम उसकी नेक्स्ट जो टाइप्स है वो करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने टाइप थर्ड तक पढ़ा था हमने, ठीक है। आज हम देखेंगे टाइप फोर, ठीक है। टाइप फोर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप देख रहे हो। अब जैसे ये हमारे पास फिगर है, ये भी मिक्स टाइप है, बट इसमें आप एक चीज़ देखोगे, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं, ठीक है, और वर्टिकल लाइंस भी हैं। बट इन फिगर्स को आप जो मिक्स टाइप जो हमने टाइप थर्ड किया था, उस तरह से इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, यहाँ तक आ रही है, फिर आगे जो है हॉरिजॉन्टल लाइन इसको ब्रेक करके नेक्स्ट नीचे से स्टार्ट हो रही है, तो ये कॉन्टिन्यूसली हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, जिसकी वजह से हम लास्ट वाला मेथड अप्लाई इसमें नहीं करेंगे ट्रिक। अब देखो, इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो, जो वर्टिकल्स लाइन है, पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन भूल जाओ, जब हमारे पास वर्टिकल्स लाइन्स होती थी, हम ट्राइंगल कैसे काउंट करते थे? नंबरिंग देके, 1, 2, 3 एंड 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा पहले? 1 + 2 + 3 + 4 = क्या आ जाएगा? 10। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास वर्टिकल लाइन्स फिगर को 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड करें, हमारे पास क्या आता है? 10। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखना, अब आप देख रहे हो इस ट्राइंगल को भूल जाओ, ठीक है, इस ट्राइंगल को भूल जाओ और इसको भूल जाओ, ठीक है। अब आप देखोगे ये जो ट्राइंगल है, इसमें भी सेम वही हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं दिख रही हमारे पास, क्या दिख रही है? इस तरह से अगर आप देखोगे वर्टिकल लाइन ही दिख रही है ना, तो क्या आएगा? 1 और 2, ये वाला 1 और 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 + 2 = 3। सेम यहाँ पे ये ट्राइंगल भूल जाओ, ठीक है, और ये भी भूल जाओ, तो हमारे पास यहाँ पे भी 1, 2 आ जाएगा, तो 1 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। तो हम इन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया? 16। तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? = 16। ठीक फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा हो। अब देखो नेक्स्ट फिगर देखो, कितनी सुंदर ट्राइंगल बनाया है मैंने। अब सेम इसको भी वैसे करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसमें है वो क्या है? प्रॉपरली नहीं आ रही है, वो आस्था बीच में यहाँ से और यहाँ तक ये क्या है? कटी हुई है। वर्टिकल लाइन जो है वो पूरी कंप्लीट आ रही है, तो सेम पहले हम वर्टिकल लाइन्स को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अगेन 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 + 2 + 3 3 + 3 6 6 + 4 6 + 6 + 4 10 and 10 + 5 = 15। अब अगेन अब हमने क्या चलना है? वही एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लेके चलना है, फिर हम क्या लेंगे? अब जैसे ये सेम, अगर हम ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ये वाली, ये ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ तक आ रही है? इस लाइन तक, इस वर्टिकल लाइन। तो हमारे पास क्या आएगा? 1 + 2 + 3, तो अगेन 1 + 2 + 3 क्या आ जाएगा? 6, ये वाला ट्राइंगल हो गया। अब ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन हम लेंगे, ठीक है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास कितने ट्राइंगल्स आ रहे हैं? 1, 2, मीन्स 1 + 2 = 3। अब हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, तो इसमें हमारे पास सेम 1 + 2, हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 + 2 = 3। अब हम इन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 + 6 कितना? 21 + 3 = 24 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा? 27। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ जो ट्राइंगल्स हैं वो कितने आ जाएंगे? 27। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा है आपको? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए अब टाइप फाइव, अब इसमें हमारे पास टाइप फाइव जो है उसमें क्या है हमारे पास? ट्राइंगल्स इन ए ट्राइंगल, ठीक है, हमारे पास ट्राइंगल होगा, उसके बीच में ट्राइंगल है, और इसमें आपको काउंट करना है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ये भी बहुत सिंपल है, अगर आप सिंपल इसको लेमन लैंग्वेज में काउंट करना चाहोगे, 1, 2, 3, 4, 5 बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हो कि हमारे पास एक आउटर एंगल है और एक इनर एंगल है, इसमें सेकेंड फिगर में हमारे पास 2 इनर एंगल है और इसमें हमारे पास 3 इनर ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक। तो पहले हम इसको सिंपल मैं आपको बताता हूँ, अगर हम इसको देखेंगे, देखो हमारे पास कितने ट्राइंगल्स हैं? 1, 2, 3,
4 मींस कि हमारे पास इस ट्राइंगल में इनर ट्राइंगल्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है ना, ठीक है, ध्यान से देखना इस वाली फिगर को, 4 है। और हमारे पास एक क्या आ जाएगा, एक हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ गया, आउटर एंगल आ गया। तो हमारे पास क्या आएगा, आउटर एंगल कितने होंगे हमारे पास, आउटर ट्राइंगल सॉरी कितने हैं, 1। आउटर ट्राइंगल हमेशा एक ही होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसमें, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, 5। ठीक है गाइस, इसमें फर्स्ट वाला जो इसका ट्राइंगल वाला था ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, जो अगर इनर ट्राइंगल है, ट्राइंगल्स की ट्राइंगल की हर साइड को टच कर रहा है, तो हमेशा उसमें जो हमारे पास ट्राइंगल्स बनेंगे इनर, वो कितने बनेंगे, 4 ट्राइंगल होंगे, ये ध्यान से देखना, ठीक है, 4 बनेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर ये एक ट्राइंगल है और इसके अंदर ये ट्राइंगल है, मीन्स कि अब ये वाला जो ट्राइंगल है ये इनर ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का, ठीक है, इस ट्राइंगल का इनर ट्राइंगल कौन सा है, ये मीन्स, और ये ट्राइंगल को जो है इस ट्राइंगल की हर एक साइड को क्या कर रहा है, टच, ये वाला, मीन्स हमारे पास इस ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल आ जाएंगे, डायरेक्ट 4, मीन्स कि ये इनर ट्राइंगल हमारे पास एक था तो कितने आ गए, 4। अब नेक्स्ट जो है ये वाला है ना, तो ये वाला इस ट्राइंगल का इनर ट्राइंगल, तो इसके भी कितने आ गए, 4। ठीक है, ध्यान से देखना, जितने हमारे पास इनर ट्राइंगल्स होंगे इतने इतने हमारे पास 4 होते जाएंगे, और हमारे पास आउटर एंगल, आउटर ट्राइंगल कितने हैं, वो तो 1 ही होगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, इनर ट्राइंगल, ये भी हमारे पास इनर ट्राइंगल था और ये हमारे पास 1, तो हमारे पास कितने आ गए, 9। सेम इसमें देखो हमारे पास फर्स्ट ये वाला ट्राइंगल, इसके अंदर ये वाला इनर ट्राइंगल है, तो कितने हमारे पास ट्राइंगल आ जाएंगे, 4। अब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का इनर ट्राइंगल है, तो इसके हमारे पास कितने आ गए, 4। अब ये वाला ट्राइंगल ले लो, इसके भी कितने आ गए, 4। सबको हमने क्या करना है, प्लस, और आउटर ट्राइंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आ गए, 4 4 4, 12 12 प्लस 1 3 12 प्लस 1 13, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ गए, 13। इसमें हमारे पास कितने आ रहे थे, 9। ठीक है फ्रेंड, समझ आ रहा है, और देखो इसमें हमारे पास जो डायरेक्ट ट्रिक है सॉल्व करने के लिए, फॉर्मूला है, वो नोट कर लेना आप, वो फॉर्मूला जो है हमारे पास, वो फॉर्मूला है हमारे पास 4n-3, ये फॉर्मूला है, और इसमें जो n जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, जितने भी हमारे पास ट्राइंगल्स होंगे वो है हमारे पास n, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने कितने हैं, इसमें हमारे पास देखो 1 2 3 एंड 4, मीन्स 4 into 4 - 3 कितना आ जाएगा, 16 16 - 3 = 13, वही चीज आ गई। तो ये हमारे पास इसकी ट्रिक है, ओके। अब हम टाइप 6 लेते हैं, टाइप 6 क्या है हमारे पास, सिमेट्री फिगर, ठीक है, सिमेट्री, बहुत ही इजी है ये और बहुत डिफिकल्ट भी है अगर आपको इस ट्रिक के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि इस फिगर में आपको अगर सिंपल ट्रायंगल काउंट करने स्टार्ट हो जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा और कभी कभार तो आंसर आएगा भी नहीं। तो सिंपल याद रखना, सिमेट्री फिगर्स में होता क्या है कि अगर आपके पास जैसे ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की क्या होती है, 3 साइड होती हैं। अब आपने देखना है कि इस ट्राइंगल में हर एक साइड कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं। देखो इस साइड देखेंगे तो हम कितने हैं, 1 2 3, है ना। अब इस साइड भी चले जाओ, 1 2 3, ठीक, अब इस साइड आ जाओ, 1 2 3, तो कितने ट्राइंगल है, हर एक साइड पे 3 3 क्या बन रहे हैं आपके, कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 3 3 बन रहे हैं। अब इसको ध्यान से देखना फ्रेंड्स, हमारे पास सिमेट्री मीन्स कि कितने ट्राइंगल्स आ रहे हैं, मैक्सिमम 3 आ रहे हैं ना, तो आप लिख दो इस तरह से, 1 2 3। अब ध्यान से देखना इस ट्रिक को, ध्यान से देखना, आपका एक सेकंड में
एक सेकंड में आपका आंसर इसका आ जाएगा, एक सेकंड में वन, ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे वन, ठीक, वन आ गया। अब इस वन को इस टू के साथ क्या कर देंगे, प्लस, ठीक है, वन प्लस टू कितना आ जाएगा हमारे पास, थ्री, इस थ्री को हम इस थ्री के साथ क्या कर देंगे, प्लस, इस तरह से चलना है, पहले वन इधर आ गया, फिर इस वन को इस टू के साथ ऐड करेंगे तो क्या आ गया, थ्री, अब इस थ्री को इस थ्री के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिक्स, ठीक है, खत्म हो गया। अब लास्ट में हमने क्या करना है, इन सब को क्या कर देना है, प्लस, प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस थ्री कितना आ गया, फोर, एंड फोर प्लस सिक्स कितना आ गया, टेन, ठीक है, हमारे पास कितने आ गए, टेन। अब ध्यान से देखना, पहले हम क्या आए थे, ऊपर से नीचे आना, ठीक है, वन प्लस थ्री प्लस सिक्स हमारे पास टेन, पहले हम क्या आए, ऊपर से नीचे आए, ठीक है, ऊपर से जब हम नीचे आए तो हमने सबको क्या किया, ऐड। अब हमने फ्रॉम द डाउन, ठीक है, ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ किस तरह से सीक्वेंस है हमारे पास, सिक्स थ्री एंड वन, तो हमने ध्यान से इसको करना है, तो हम क्या करेंगे, जब जो भी हमारे पास नीचे की सबसे पहली वैल्यू होगी जैसे सिक्स, इसको हमने क्या करना है, ड्रॉप, ड्रॉप एंड पिक की गेम हमने खेली है यहाँ पे। फर्स्ट नंबर को हम जब नीचे से ऊपर आएंगे ड्रॉप करना है, सेकंड नंबर को हम क्या करेंगे, पिक करेंगे, नेक्स्ट नंबर को हम क्या करेंगे, ड्रॉप, ठीक है। अब हमने यहाँ से किसको पिक किया, पिक पे कौन है हमारा, थ्री, तो थ्री को इसके साथ हम क्या करेंगे, ऐड, तो टेन प्लस थ्री जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्टीन। तो इस फिगर में हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं वो कितने आ जाएंगे, थर्टीन, इस तरह से करना है। तो ये हमने ट्रिक यूज़ किया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म आप इसको लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है, तो होप आपको समझ आ रहा हो। अब देखो नेक्स्ट फिगर पे आ जाओ, ये भी सिमेट्री फिगर्स है, और आपको कैसे पता चलेगा ये सिमेट्री फिगर है, आपको तीनों साइड में ट्राइंगल्स को काउंट करना है, अगर सेम आए, इक्वल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कम्स ऑन ऑल साइड, देन इट मीन्स दिस फिगर इज अ सिमेट्री फिगर। तो देखो वन टू थ्री फोर, इस साइड पे कितने ट्राइंगल्स है, फोर, नाउ काउंट दिस साइड, वन टू थ्री एंड फोर, फोर, देन वन टू थ्री फोर, तो इट मीन्स ऑल साइड्स हैव फोर ट्राइंगल्स। अब हमारे पास कितने ट्राइंगल्स आ रहे हैं मैक्सिमम, फोर, तो हम क्या करेंगे, वन टू थ्री फोर, इस तरह से लिखेंगे। तो सेम हम वही वाला पैटर्न इसमें भी हम अप्लाई करेंगे, वन आ गया, इस वन को हम किसके साथ प्लस कर देंगे, टू, एंड टू प्लस वन कितना आ गया हमारे पास, थ्री, देन थ्री प्लस थ्री हमारे पास कितना आ गया, सिक्स, देन सिक्स प्लस फोर कितना आ गया हमारे पास, टेन। तो अब हमने क्या करना है, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम आना है, जब हम टॉप टू द बॉटम आते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, सबको ऐड कर लेंगे, वन प्लस थ्री फोर, एंड फोर प्लस सिक्स हमारे पास कितना आ गया, टेन, एंड टेन प्लस टेन हमारे पास क्या आ गया, ट्वेंटी। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम द बॉटम टू द ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, तो हम वही ट्रिक करेंगे, ड्रॉप डाउन वाली, ड्रॉप एंड पिक गेम खेलेंगे। फर्स्ट नंबर को हम क्या कर देंगे, ड्रॉप, सेकंड नंबर को हम क्या कर देंगे, पिक, थर्ड नंबर को हम क्या कर देंगे, ड्रॉप, ठीक है, एंड फोर्थ नंबर जो है वो हमारे पास पिक हो जाएगा। इस तरह से हमने ऊपर सीक्वेंस चलते जाना अगर हमारे पास और यहाँ पे नंबर होंगे। अब देखो इसमें हमारे पास क्या क्या पिक हो रहे हैं, सिक्स, एक तो सिक्स हम पिक कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस सिक्स, और दूसरा हम वन को पिक कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन, तो ट्वेंटी प्लस सिक्स प्लस वन हमारे पास कितना आ जाएगा, ट्वेंटी सेवन। तो इस फिगर में हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ रहे हैं, ट्वेंटी सेवन, ठीक है गाइस। ये वाले जो सिमेट्री फिगर्स हैं ये बहुत बार आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिला है, एसएससी हो चाहे रेलवे हो या स्टेट्स लेवल के एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें ये सिमेट्री फिगर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप जब ये ट्रिक अप्लाई करोगे तो आप टू सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और फ्रेंड्स आपसे, स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक रीजनिंग का समझना हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे क्या कर दें, एक मैसेज, एक इनबॉक्स मुझे टेक्स्ट लिख दें कि सर आप हमें ये वाला टॉपिक समझा दो रीजनिंग का, तो मैं उस टॉपिक के वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं और वीडियोस लेके आ जाऊँ और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, और मुझे फीडबैक ज़रूरी देना, मेरे लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरे में क्या थोड़ी सी जो भी अगर कुछ कमियां हैं तो मुझे भी पता चलना चाहिए, तो मैं उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। ठीक है, तो मेरा मकसद तो यही है कि मेरे पास जितनी भी नॉलेज है आपके साथ शेयर करूँ, आपके साथ जितने भी हो आपके साथ शेयर करूँ, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी है आपकी, वो मैं सॉल्व करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 7। अब देखो टाइप 7 इसमें क्या है, अब आपके पास यहाँ पे 4-sided figure होगी। ठीक है, 4-sided figure कोई भी आ सकती है। ठीक है, तो उसमें आपको काउंट करने हैं ट्राइंगल। जैसे आपको फर्स्ट फिगर में दिख रहा है, इसमें तो आपके पास कोई भी ट्राइंगल नहीं है, 0 ट्राइंगल है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको सामने दिख रहे हैं, हमारे पास कितने ट्राइंगल्स आ जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ गए, 2। अब नेक्स्ट जो है उसमें कितने आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4। तो इस फिगर में हमारे पास ट्राइंगल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन थे फर्स्ट, मीन्स की इस टाइप में जो फर्स्ट 2 figures थी, 1, 2, इसमें सिंपल काउंट हो गया, 1, 2, 3 and 4 इसमें भी सिंपल काउंट हो गया। और याद रखना फ्रेंड, ठीक है, इन जो 4-sided figure होती है उसमें जब ट्राइंगल्स बनते हैं तो अगर उसमें ये लाइन, ध्यान से सुन लेना, इफ़ जो हमारे पास इंटरनल ट्राइंगल्स, ठीक है, इंटरनल ट्राइंगल्स अगर हमारे पास 4 होंगे, ठीक है, 4 होंगे और 4 होंगे या 4 से ज़्यादा होंगे, 4 or more than 4 मीन्स इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर 4 होंगे तो हम क्या कर देंगे, जो ट्राइंगल्स होंगे उसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। जैसे इसमें था, इसमें हमारे पास कितने आ रहे हैं, इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है। और हमारी जो ट्रिक है वो क्या कहती है कि अगर हमारे पास ये 4-sided figure में अगर 4 triangle हो या 4 से ज़्यादा हो तो हम क्या कर देते हैं, उन ट्राइंगल्स को डबल कर देते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय किसके साथ करना है, हमने 2 के साथ। तो ये ध्यान रखना, ये इसकी ट्रिक है फाइंड आउट करने के लिए, सिंपल। अब काउंट करो इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने कुछ नहीं करना है, हमारे पास कितने आ रहे हैं इसमें ट्राइंगल, कितने आ रहे हैं, 6। तो 6 into 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 12। तो इस फिगर में हमारे पास कितने ट्राइंगल्स आ रहे हैं, 12। ठीक है, इस तरह से हमने करना है फ्रेंड्स। अब देखो नेक्स्ट फिगर अगर हम लेते हैं तो कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ जाएंगे, 8 into 2, हमने डबल करना। तो हमारे पास कितने आ गए इसमें, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू 16। इस तरह से ये वाले आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, जो आपको एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपने काउंट करने हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ये बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, स्टार टाइप क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आप इस फिगर को ध्यान से देखना, ये फिगर बनी कैसे है, हमारे पास 2 triangles है, 2 triangles के साथ उसको रख के हमारे पास फिगर बनी है, मीन्स हमारे पास फर्स्ट ये ट्राइंगल होगा ऐसे। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को हमने क्या किया हुआ है, इस ट्राइंगल को हमने, अब ध्यान से देखना है इसको, ये किस तरह से हमारे पास ट्राइंगल बना हुआ है, ये मीन्स कि हमारे पास 2 symmetry triangles होंगे, उनको क्या किया हुआ है, एक सिमेट्री ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखा हुआ है, मीन्स ये हमारे पास ओवर लैपिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान से देखना है ये क्वेश्चन फ्रेंड्स। अब देखो जैसे ये हमारे पास ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को हमने किस तरह से रखा हुआ है, हमारे पास इस तरह से क्या होगी, एक सिमेट्री फिगर होगी। ठीक है, ये हमारे पास फिगर है, ध्यान से देखना, ये एक ये ट्राइंगल होगा हमारे पास। ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 आ गया,
इसमें आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना जो हमने पीछे किया था, 1 2 3, ठीक है, 1 2, और इसमें आप वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, स्मिथ ट्री वाला, कैसे किया था हमने, 1 2 3, ठीक है, 1 प्लस 2 3, ठीक है, 3 प्लस 3 6, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 10। देन अगेन ड्रॉप पिक, ड्रॉप पिक हम करेंगे 3, तो हमारे पास कितने आ गए, 3। एक ट्रायंगल में हमारे पास इस फिगर में कितने आ रहे हैं, 13। तो सेम जो दूसरा ट्रायंगल है वो भी ध्यान से देखना, वो इसका इनवर्स है, ये ट्रायंगल इसका क्या है, इनवर्स ट्रायंगल है, ठीक है, ये भी सिमेट्री ट्रायंगल है बट इनवर्स है, ठीक है, सेम 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, 13 होंगे ना फ्रेंड्स, इसमें भी 13 होंगे जब हम ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। अब ध्यान से देखना, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इसके ऊपर रखा हुआ है, इस ट्रायंगल के ऊपर, मीन्स की ये जो इसकी बेस है ये यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आ रही है बेस, और ये लाइन जो है इसके साथ यहाँ से मीट करेगी, और ये वाली लाइन इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है ना फ्रेंड्स, ओवरलैप कर रही है ना, इस तरह से ये इसके साथ ओवरलैप कर रही है ना। अब हमने देखना है कि अब जब हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स थे तो हमारे पास क्या आ रहा था, दोनों ट्रायंगल्स में कितने आ रहे थे ट्रायंगल्स, 13 13 आ रहे थे, है ना, 13 13 आ रहे थे। अब हमने देखना है इन दोनों ट्रायंगल को, जब हमने एक ट्रायंगल को दूसरे के ऊपर रखा तो उनके बीच में कुछ कॉमन ट्रायंगल आएंगे या नहीं। अब देखो हमारे पास इसमें कॉमन ट्रायंगल्स कौन कौन से आ रहे हैं, 1, ठीक है, 2, ठीक, ये आ रहा है एक, 3rd, और एक ये आ रहा है, 4 5 6, ठीक है, हमारे पास दोनों ट्रायंगल में क्या आ रहे हैं, 6 कॉमन ट्रायंगल्स आ रहे हैं। तो हमने कुछ नहीं करना है, इन दोनों में से 6 को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 13 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 26 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 20। तो इसमें हमारे पास स्टार वाले में क्या आंसर आ जाएगा, 20। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपके पास, आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको जब भी ये क्वेश्चन आए आप इसको एक सेकंड में सॉल्व कर लोगे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जो मैंने अभी टाइप्स, जो भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं या आपको समझाया है, आपको समझ आया होगा। ये आपके लिए मैं होमवर्क लेके आया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने खुद सॉल्व करना है, और इसके जो आंसर्स होंगे, ठीक है, इसके जो भी आपका आंसर आता है, ठीक है, जो भी इसका आंसर आता है, वो आपने क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर देना, मैं देखूंगा फिर आप किन बच्चों ने इन क्वेश्चंस का आंसर दिया है। अगर आपको सही है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है, जो भी आपको समझाया है, आपको समझ आया हो, ठीक है फ्रेंड्स।